ये कार विदाउट बुकिंग मुझे कैसे? हाँ भाई, मैंने प्रीमियम दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज के व्लॉग में ना भाई, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आ रहा है जब से स्कॉर्पियो की डिलीवरी ली है कि भाई ये इतनी जल्दी मिली कैसे, और एक दो कमेंट ये भी आ रखे हैं आपने पहले से बुकिंग करा रखी है, ये सब बातें ना मैं क्लियर करूंगा। बट उससे पहले भाई, जैसे कि आज मेरा बर्थडे 5 जून, तो एक दो चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ अपने बर्थडे पे। वैसे पहले भी हम करते हैं, मतलब कि ऑफ द कैमरा भी करता ही हूँ, बट इसके थ्रू मेरा यही मन है कि भाई एक छोटा सा मैसेज चल जाए जितने भी मेरे भाई बंधु देखते हैं, छोटे भाई बड़े भाई। तो सबसे पहले हम उधर चलते हैं, वो सब काम निपटाते हैं। बाकी घर में तो भाई पूजा मैंने कर ली है। और टफी चलने तुझे, हाँ चलने तुझे, नहीं घर पे भी तो कोई रहेगा है ना, तो घर पे रहे, फोन पे लगे हुए हैं। बट यस, लेट्स गो। एंड ये है आज का हमारा OOTD। अगर आपको याद हो मैंने कहा था ना न्यू कपड़े, कार डिलीवरी, बट कार डिलीवरी पे पहने नहीं थे, तो सोचा बर्थडे पे पहन लेते हैं। भाई बताओ कैसे लगे। एंड मौसम भाई आज भी ओवरकास्ट ही है, बट ठीक है, व्हाइट कार है, गंदी होने का कुछ टेंशन है नहीं। ये क्या बात है। एंड भाई निकल चुके हैं घर से, और ये लोकेशन देख लो, गेस करो हम कहाँ जा रहे हैं आज। इधर बैठी है मम्मी, ये पूजा का सामान है जहाँ पे जा रहे हैं, उधर ये भी देना है। एंड हर बर्थडे पे मैं उधर जाता ही हूँ, और हर महीने पापा जाते हैं वैसे, बट आज मेरे का शुभ दिन है, मतलब कि शुभ जिंदगी आगे बनती रहे। एंड भाई ये ना एक हमारी सोसाइटी के अच्छे गांव है, इधर देख लो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, मतलब पहले प्लेन फील्ड्स होती थी हर जगह, मतलब जहाँ पे भी आपको खाली खेत फील्ड्स वगैरह दिखती है ना, मोस्टली अब कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। ये DLF ने एरिया ले लिया है, बट अब हम मेन रोड से निकल गए हैं कहीं और की साइड, जहाँ पे हम जा रहे हैं ना अलग ही जगह पे है वो। और आज तो कार भी भाई जबरदस्त है, तो रास्ते कैसे भी हो टेंशन की बात है नहीं। क्या कह रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम पहाड़ों पे जा रहे हो। बस पहाड़ी मान लो, रास्ते देख लो, कच्ची रोड है, प्रॉपर रोड ही नहीं बन रखी इधर। हम तो भाई इसी रास्ते से जाएंगे, 4x4 है, कुछ यूज ही हो जाएगा इस बहाने। क्यों भाई, सही बात नहीं? ओ भाई स्किट खाई इधर, ओ अच्छा दलदल था ना। चलो भाई फाइनली आफ्टर 45 मिनट्स, पहले हम जहाँ गए थे वहाँ पे बंद थी, बट यस हिमशिका में पहुंच चुका हूँ। और मैं आपको बता दूं भाई अब क्लियरली कि हम कहाँ आए हैं। भाई हम आए हैं गौशाला। हर बर्थडे पे ये मेरा रूटीन है कि गौशाला आना ही है, मंदिर तो हम जाते ही हैं बट गौशाला भी बहुत जरूरी है। और अगर आप इंडियन कल्चर फॉलो करते हैं आपको पता होगा कि भाई गौ को हम माता कहते हैं, तो कितना ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आई थिंक जो इम्पोर्टेंस है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट आई होप आपको वैल्यू पता हो इन सब कामों की। भाई पर्ची हमने कटवा ली है, बट ये अपनी अपनी श्रद्धा होती है, तो ये सब मैं क्या दिखाऊंगा। है गौ माता कहाँ है? ओ उधर के साइड है भाई, बहुत ही बड़ी गौशाला है, वो भी है, वो भी रे गौ माता, इन्हें कहते हैं चारा जिन्हें नहीं पता, जस्ट इन केस। एंड उधर भी है गौ माता, भाई बहुत ही बड़ी गौशाला है यार ये वाली, पहले से भी और बड़ी हो गई। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, लास्ट ईयर आया था मैं इधर, तब भाई इधर इधर वाले एरिया में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओ भाई ये देखो आगे, जय हो गौ माता। डन, हम चलते हैं घर की साइड। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये तूने क्यों दिखाया दान ये वो, भाई मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, मैं ये सब चीजें कभी नहीं दिखाता ऑफ द कैमरा, जो भी चीजें होती हैं वो हम कर लेते हैं। बट आज भाई बर्थडे है मेरा, और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ भाई, जितने मेरे भाई बंधु देखते हैं भगवान की कृपा से, कुछ बंदे तो मुझे देखते हैं ना, और अपने इंडियन कल्चर को भाई अगर हम इंडियंस नहीं प्रमोट करेंगे तो कौन करेगा। कोई मैं रिलीजन की बात नहीं ला रहा हूँ, यह माइंड में रखना, इंडियन कल्चर की बात कह रहा हूँ। और जिन्हें पता है भाई उन्हें पता ही होगा, जो श्रद्धा में मानते हैं भगवान में मानते हैं, कि गौ माता का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है, वो सब चीजें मुझे बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई गौ माता के लिए भी कुछ करें, मंदिर वगैरह तो हम जाते हैं बट गौशाला वगैरह जाना भी बहुत ही जरूरी है, इसकी कोई बात नहीं करते, जो मुझे फील होता है कि भाई गौशाला जाना कितना ज्यादा जरूरी है। दान वान की अलग बात है, देखो अपनी अपनी श्रद्धा होती है, मेरी चाहे 10 रुपए की श्रद्धा हो, 500 रुपए की श्रद्धा हो, 1000 रुपए की श्रद्धा हो, वो अपने ऊपर होता है। भाई वीडियो के थ्रू जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ आई होप आप लोग समझ रहे हो, एंड तभी ये वाला पार्ट ना मैं स्टार्टिंग में डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर बंदे ना आधी वीडियो देख के छोड़ देते हैं। बट अभी हम मेन बात भी करेंगे कि ये कार हमें इतनी जल्दी कैसे मिली। और हाँ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा भाई, ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत ही साधु संत बंदा हूँ, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता हूँ आप सबके साथ। अब जैसे भाई कल मेरे घर वालों ने ग्रैंड पार्टी रख रखी थी रिलेटिव्स के लिए, जैसे बुआ फूफा जी कजन वगैरह हो गए, तो वो भी हमने एंजॉय कर लिया है। मतलब कि सब कुछ करना चाहिए भाई, लाइफ में बैलेंस भी रखना चाहिए। अब इतने टाइम के बाद हमारे घर में कोई पार्टी थी, मतलब घर वालों ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, थोड़ी बहुत आप क्लिप्स भी एंजॉय कर लेना।
सब्सक्राइबर्स को तो खिला दे। ये लो भाइयों आप भी खा लो। पहले मम्मी पापा जरूरी है भाई। सही बात, सही बात। जो कहना चाहता हूँ ना भाई, ये नहीं है कि सोशल मीडिया है तो मैं ये सब दिखा रहा हूँ भाई, सब कुछ करता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। बस जो मैसेज देना चाहता हूँ ना मैं, आई होप आपको समझ आ गया हो। प्रमोट आवर इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर को भाई आगे हम ही लेके जाएंगे, जो हम यूथ है ना वो ही लेके जाएगा भाई। जो इंडियन कल्चर की सुंदरता है, मानता है, मतलब की जो इतने बंदे इंडियन कल्चर को मानते हैं, आप एक चीज नोट कर रहे होंगे भाई, हमारे इंडिया से भले धीरे धीरे इंडियन कल्चर को बहुत लोग भूल रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर ला रहे हैं, बट जो वेस्टर्न वाले बंदे हैं वो इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं भाई। उतरना तो इस कार से भी मुश्किल है मम्मी के लिए, बट इसमें ये है कि ग्रैब हैंडल है तो ठीक रहता है, अभी मना कर रही है नहीं। चलो ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है। अब करते हैं मेन बात, जो आज का मुद्दा है कि भाई ये कार विदाउट बुकिंग मुझे कैसे मिली। जैसे आपको पता होगा भाई, जो इस कार की बुकिंग है वो है 2 साल की मिनिमम, एंड जो ये वाला वेरिएंट है Z8, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता ही है। आई नो बहुत भाई कहेंगे भाई Z2 है, Z6 है, वैल्यू फॉर मनी है वो। यार देखो, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, बट अगर आपको एक ऐसा वेरिएंट चाहिए कि बाहर से आपको कुछ काम कराना ही ना पड़े, अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हो, अलॉयस तक भी इसमें आते हैं, तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो यही बेस्ट है। एंड मेरा तो स्टार्टिंग से यही था जब स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी, और आपको अगर याद हो मैंने भाई पहले बुकिंग भी कराई थी, बट वो मैंने कैंसिल करा दी थी भाई। और जिन्होंने वो वीडियो देखी उन्हें पता है, उसमें था ब्लैक कलर, डीजल 4x4 और मैनुअल ट्रांसमिशन, बट ये जो है आपको दिख ही रहा है भाई कौन सी है कौन सी नहीं। तो सबसे ज्यादा ना कंफ्यूजन यही हो रखी है बहुत भाइयों को कि भाई आपने पिछले साल ही बुकिंग करा दी थी। भाई नहीं, ऐसा नहीं है, मैं स्क्रीन पे फोटो भी अटैच कर दूंगा। जो इस कार की मैंने जब बुकिंग अमाउंट पे करी थी ना, तो एक वो आता है आपका मेल वगैरह, उसमें लिखा होता है डिलीवरी कब होगी, तो भाई उसमें आ रखा था 2025 जून में डिलीवरी होगी। तो अब आप लोग सोचोगे भाई तूने पक्का प्रीमियम दिया है। हाँ भाई मैंने प्रीमियम दिया, मजाक कर रहा हूँ भाई, क्यों दूंगा मैं प्रीमियम यार, महिंद्रा की कारों पे आई नो प्रीमियम चलते हैं, बट भाई आपके भाई ने कोई भी प्रीमियम नहीं दिया है। एंड मैं आप सबसे भी यही अपील करूंगा कि भाई कोई भी कार आप ले रहे हो, प्लीज प्रीमियम पे मत करो। हाँ जी, तो आई होप आपको ये बातें क्लियर होगी होंगी कि पुरानी वाली बुकिंग भाई मैनुअल की थी, ब्लैक की थी, और वो मैंने कैंसिल करा दी थी, उसकी भी यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है, आई बटन पे मैं लिंक भी दे दूंगा, आप देख लेना। और इसका प्लान भी एट अ मोमेंट ही बना था, आप सबको पता ही है डिलीवरी वाले ब्लॉग में मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी भाई कि पहले हैरियर का हो रहा था, बट जैसे तैसे भाई इस कार का हमारा मन बन गया क्योंकि ये अवेलेबल हो रही थी। एंड अब अवेलेबल कैसे हो रही थी, मैं देखो कोई फुकरे नहीं मारूंगा, मेरी जानकारी थी, ये थी वो थी, जानकारी थी बट इतनी नहीं थी कि कोई मंत्रियों वगैरह की जानकारी हो, क्योंकि आपको होता है जब ये कार बंदा लेते हैं तो पहुंचना उसे लगानी पड़ती है क्योंकि भाई इसकी बुकिंग एक्सट्रीम है। बट अब आ जाते हैं मेन बात पे, आप भी कहोगे भाई बहुत तूने बातें घुमा ली, मेन बात पे। तो भाई मेन बात ये है कि जब मैं हैरियर देख रहा था, आपने उस व्लॉग में नोट करा होगा कि पापा ने कहा था एक बार स्कॉर्पियो एन भी फिर से देख लेते हैं कि मन की तसल्ली हो जाए, तो बाय चांस भाई भगवान जी की कृपा से उस दिन पता है क्या हुआ, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने हमें बोल दिया कि एक स्कॉर्पियो एन फ्री स्टॉक खड़ी है। फ्री स्टॉक का क्या मतलब होता है यार, जैसे कंपनी ना प्रोडक्शन ज्यादा कर देती है किसी एक दो वेरिएंट्स की और वो बुकिंग वगैरह में नहीं होते, जैसे आपको होता है बुकिंग में सारे वो नंबर वगैरह आईडी वगैरह लिखी आती है, तो इसकी कोई भी बुकिंग वगैरह नहीं थी, वो ऐसी बेली खड़ी थी। और हाँ, फ्री स्टॉक ना भाई ज्यादा देर तक खड़ा नहीं होता है, जो डीलर्स वगैरह होते हैं ना वो पहली ले लेते हैं फिर ब्लैक में बेचते हैं। आप सोचते होंगे ना कि भाई ब्लैक में कारें कैसे बिक रही हैं, तो यही रीजन होता है, मतलब कि एक रीजन ये होता है कि फ्री स्टॉक भाई डीलर्स ले लेते हैं ब्लैक में बेच देते हैं। मेरी किस्मत इतनी बढ़िया थी यार, जैसे मैंने 31 मई को ली है और जो एक कार है ना डीलरशिप पे 10 मई के अराउंड आई थी, ट्रेन से कार आ रही है, तो मैडम ने कहा जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे कि सर फ्री स्टॉक खड़ा है, तो मैंने कहा बताओ कौन सा वेरिएंट है, उन्होंने कहा कि Z8 खड़ा है, डीजल खड़ा है, ऑटोमेटिक खड़ा है, 4x4 खड़ा है, बट ब्लैक कलर खड़ा है। भाई मेरा मन उतर गया, ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, बट इस बार पापा की सुननी थी, पापा ने कहा कि भाई 1.5 लाख रुपए पीपीएफ वगैरह पे मैं नहीं खर्चूंगा ना तू खर्चेगा, तो व्हाइट कार लेके खत्म करो, ब्लैक का शौक पूरा हो गया। तो फिर से हम रुक गए, क्या करे, फिर रात को बात बूत हुई पापा से, फिर पापा कहते ब्लैक ले ले बट पीपीएफ तू नहीं कराएगा। मैं कहा चलो ठीक है नहीं कराऊंगा, ले लेते हैं। फिर अगले दिन हम गए पेमेंट वगैरह का पूछने, क्या है क्या नहीं, तो मैडम कहती व्हाइट आ गई, मैं कहा कौन सा वेरिएंट आया है, तो मैडम ने कहा कि सेम मॉडल है सर। बस फिर क्या था भाई, ये आपके सामने खड़ी है व्हाइट कलर की हमारी स्कॉर्पियो एन Z8 डीजल ऑटोमेटिक 4x4, और हाँ भाई मैनुअल में अलॉय नहीं आते हैं, वरना इसमें अलॉय आते ही है। अभी ना 2-3 दिन में और एक्सपीरियंस करूंगा, मतलब कि एक हफ्ते बाद ना मैं आपको डिटेल वॉक अराउंड शेयर करूंगा इसका। ओहो ये देखना नीचे यार,
मैं यही कह रहा हूँ भाई, मुझे जब मेरे पे अंधा पैसा हो जाएगा ना, जब मैं खुद सेटल हो जाऊंगा, कुत्तों के लिए कुछ ना कुछ करना है यार। ये देखो बेचारा कैसे आराम से छांव ढूंढ के बैठे, चूचू भी कर रहा है, कितने क्यूट होते हैं यार कुत्ते। बट यस, जो आज की हमारी स्टोरी है वो यही है कि भाई अवेलेबल हमें ऐसे हुई, प्री स्टॉक खड़ी थी, और इसमें जो सबसे मेजर रोल है ना किसी का, वो है भाई ऊपर वाले का। क्योंकि आपको पता है ये कार इतनी डिमांडिंग में है, फ्री स्टॉक खड़ा होना इसका बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट आई रियली होप भाई आपका ये डाउट क्लियर हो चुका हो कि भाई इतना वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट तुझे कैसे मिला, क्योंकि बहुत भाइयों के ना ये कॉमन क्वेश्चन थे। आई नो Z8L ज्यादा इजीली मिल जाता है, Z8 हो गया, Z6 हो गया, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। एंड इस फ्री स्टॉक का ना ऐसा सीन होता है कि कंपनी वालों को भी नहीं पता होता कि भाई कौन सा वेरिएंट महिंद्रा पीछे से प्लांट से भेज देगी, ऐसा ही सीन रहता है भाई। कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रखी हो तो भेज देते हैं अलग अलग डीलरशिप पे बारी बारी। तो वही है, अगर आपको जल्दबाजी में कार लेनी है, मतलब कि एकदम कार लेनी है, आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि ब्लैक कलर चाहिए बट व्हाइट खड़ा हो, वही है कि जो क्राइटेरिया है ना वो शायद फुलफिल ना हो बट कार आपको अवेलेबल हो जाएगी। और जो मुझे लगता है Z6 Z4 उसका तो भाई फ्री स्टॉक तुक्के से अगर मिल जाए, वैसे ये भी मुझे तुक्के से मिले, तो वही सारा सीन है यार, किस्मत का खेल है। बाकी तो यार अगर आपके मन में कोई और डाउट है स्कॉर्पियन से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं क्लियर कर दूंगा। आई नो Z8 का एक बहुत बड़ा डाउट है कि भाई यही वाला वेरिएंट क्यों, तो मैंने आपको वही बताया कि एक दो दिन, मतलब कि मुझे एक हफ्ता हो जाए, मैं पूरी कार समझ जाऊं अच्छे से, तभी उस वीडियो में ना मैं क्लियरली आपको A to Z बताऊंगा कि क्यों भाई मेरे हिसाब से बेस्ट वेरिएंट है। और हाँ भाई, कोई भी कार ना परफेक्ट नहीं होती, आप 1 करोड़ की कार ले लो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज मिसिंग है, वो चीज मिसिंग है, वो भी मैं धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया, जब डिटेल्ड रिव्यू में इसका डालूंगा ना, जब मैं आपको क्लियर करूंगा। बट फिलहाल भाई घर चलते हैं, खाना खुना खाते हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है क्योंकि वही था कि खाली पेट जाते हैं पूजा वगैरह करने ना। और टफी क्या हाल है, खुश नहीं है क्या, भाई का बर्थडे है, मैं तेरे को विश करता हूँ तेरे बर्थडे पे, तूने मुझे विश भी नहीं किया। एंड यस भाई, जिन जिन भाइयों ने इंस्टाग्राम पे मेंशन करे हैं, मैसेजेस करे हैं, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग भाई इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं है, इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, उधर भी आप कनेक्ट हो जाओ, उधर भी बहुत मस्ती में कंटेंट वगैरह डालते रहते हैं। एंड एक और जरूरी चीज भाई, कोई एक्सेसरी वगैरह भी मैंने कार में नहीं लगवाई है, 4 चीजें मैंने पे करी हैं, एक्स शोरूम, TDS, इंश्योरेंस, अभी RTO पे करनी है, क्योंकि आपको होता है एक्सेसरीज वगैरह लगवा के भी हमें कार जल्दी मिल जाती है, और एक ऐसी रेस आ रही है यार। बट ठीक है, आज 5 तारीख है, 1 वैसी बच चुका है, 237 पे वीडियो भी आएगी, तो इस वीडियो को फिलहाल मैं यही पेंट करता हूँ। मेरा मन है कि जो ये वाली वीडियो है ना, मैं बर्थडे के दिन ही डालू भाई, नहीं तो स्टॉक तो पड़ा है पुरानी वीडियो का भी, कल भी मैंने कुछ शूट किया था और कल पार्टी भी थी, बट मुझे वही लगता है यार मैं फैमिली व्लॉग्स वगैरह डालते नहीं, तो क्या फैमिली में व्लॉग वगैरह करना। बट एनीवे, इस वीडियो को फिलहाल मैं यही पेंट करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।